साथ हमको तो गड़बड़ लग रहा है यार। ना रुस्तम का नंबर बांध तो नहीं हूं। अरे उस्ताद, कहीं लड़की देख के उसका दिमाग तो नहीं फिसल गया? अरे बकवास बंद कर, ऐसा नहीं कर सकता हो। अरे नौशीन घर नहीं आया अभी तक, हमने उसको फोन किया, फोन भी बंद जा रहा है। कॉलेज फोन किया, वो बोलता नौशीन तो आज आया ही नहीं। क्या तुम्हारे को मिला था क्या नौशीन? नहीं नहीं, हमको नहीं मिला है। तुम अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझ सकती हो, और अगर इन हालात में तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं ना, तो ठीक है, कर लेने। पर मैं तो मना भी नहीं कर सकती। थाने में रिपोर्ट करते हैं। अरे तुम समझदार होकर कैसी बातें करता है? अगर हमने रिपोर्ट लिखवा दिया और वो घर वापस आ गया तो लोगों को क्या बोलेगा? तुमको मालूम है ना लोग कैसी कैसी बातें करता है। और अगर हम इस तरह बैठे रहे तो कुछ नहीं बोलेगा इलाके का लोग? थोड़े टाइम बाद आके खुद पूछेगा कहां है नौशीन, फिर तुम क्या बोलेगा? अपने बेटे के लिए किसी अच्छी फैमिली की लड़की का रिश्ता देख रहे हैं और मैं उनकी हेल्प करूं। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे मेरे बारे में बात की? ऑब्वियसली बेटा, और देखो ना वो बातों बातों में कई दफा तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, तो यही कहना चाह रहे थे ना बाबा। लेकिन अभी उन्हें बहुत जल्दी, जाहिर है वो लंदन से आए हैं, जल्दी शादी करेंगे, वापस अपनी बहू को साथ ले जाना चाहेंगे। मुझे तो अभी वक्त चाहिए। वो नादिर वाला बात तो आपको पता है ना, वो बस स्टॉप पे उसको तंग कर रहा था, फिर हम उसकी अम्मा के पास गया था शिकायत देकर। हाँ, नादिर का दिमाग में तुम तीनों के बारे में फुतूर है, और तुम तीनों के बारे में कुछ सोच सकता है गलत। अरे हमने भी यही बोला है, लेकिन शायद मान ही नहीं रहे। हम कह कह के तगे चले, उठो ताने चलते चल के रिपोर्ट लिखाते, लेकिन नहीं। तो समझ तुझे होगा कि हम क्यों आए। चाचा हमको क्या पता है, अरे तू कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना। शायद गबेन अभी तक घर पे नहीं आया है। अच्छा चाचा, तुझे पता है कितना बड़ा केस है ये? अभी तो तेरे को समझा रहा है अम्मा। तो ठीक है, जाके अपने पोते को डरा। जो तू समझ रहे ना वो हमने नहीं, तेरा पोते ने किया है। अरे दादा गे, हाँ क्या बोला वो? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या बोला वो? बोलता है कि फैसल को पता है कि नौशीन किधर है। क्या हमको पता है? आपने कुछ बोला भी नहीं उसको। हमने आपसे कहा भी था वो बकवास करेगा, आप उसके पास नहीं जाओ। हमको लगता है कि तू हमसे बकवास कर रहा है। तेरे को पता है कि नौशीन किधर है? तेरे साथ बाइक पे बैठ के गया है वो। हमारे? अभी ये नहीं बोलना कि तुम नहीं था वो। हमने तेरा वीडियो देखा है, तेरे साथ बैठ के गया है वो। हमसे झूठ बोलता है, तेरे को शर्म नहीं आता? दादा से झूठ बोलता है। दादा हमको अरे चुप कर। हम जो पूछ रहा है वो बता हमको, लड़की किधर है? हमको नहीं पता। शायद इसका कलाब थाने में रिपोर्ट कराओ, और जब तक तुमको शायद माफ नहीं कर दे तो घर में कदम रखने का जरूरत नहीं है तुमको। दादा चुप कर, ये बता किधर है नौशीन, हमको बता। हम ये हमारे एक का बात का यकीन कर लेता है, लेकिन जब मुहूर्त का मामला आता है तो हम यकीन नहीं करते। और तेरा तो हमने वीडियो देखा है। दादा शायद प्लीज हमारी बात का यकीन करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं किया हूं कुछ। शायद हम तेरे से शर्मिंदा है,
इसका खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराओ, टाइम जाया नहीं करो, कराओ इसका खिलाफ थाने में रिपोर्ट। दादा दादा अब नहीं किया हूं शायद, शायद हमारा बात पे यकीन करो, हम नहीं किया हूं। अरे इसको समझाना नहीं क्यों, तुम हमारा बात नहीं सुना ना, आज तुम फिर देर से आया घर। अरे अम्मा वो चाचा जबार नहीं है, वो आज फिर हम पे नया इल्जाम लगाने आ गया था। तुम पर? हाँ अम्मा बोल रहा था कि हम डॉक्टरनी को गायब किया हूँ, अब तुम ही बताओ हम डॉक्टरनी को क्यों गायब करेगा। अरे हम तो उसके साथ शादी मनाना चाहता है, वो गायब करके थोड़ा ही ना होगा। गायब का क्या मतलब, घर पर नहीं है वो। मैं इसलिए तो हमसे पूछने आया था वो, फिर हम बता दिए उसको वो जिधर भी गया था। तुमको मालूम है वो किधर गया? हाँ ना अम्मा, हम अपनी आंखों से देखा हूँ, अभी दिखावे तेरे को। तुम भी हम पे इल्जाम लगाता रहता ना, ये देखो। ये तो फैसल के साथ बैठ के जा रहा है। अम्मा तुमको भी हम पे शक था ना, क्या हमको बताओगा? अब समझ आया उस दिन वो फैसल के साथ क्यों आया था तुम्हारा शिकायत लगाने को। मैं ये बात है, उसका दादा नहीं बोला कुछ। अरे क्या बोलाएगा, हमको क्या मालूम, चुपचाप चला गया हूँ, घर पे जाके बोलाएगा जो भी। चलो अभी तुम्हारा जान तो छूटा ना, तुम्हारा क्या लेना देना, सो आराम करो, आ सुकून करो। हमको नहीं लगता है फैसल हमसे या तुमसे झूठ बोलेगा, वो ऐसा क्यों करेगा? शायद उसका बचपन का दोस्त है, जिगरी यार है, और नौशीन भी समझदार है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर हमसे कोई मुंह जबानी बात करता हमको यकीन नहीं आता, हम समझता झूठ बोल रहा है। हमने खुद उसका वीडियो देखा है, वो लड़की पीछे उसके बैठ रहा है, बात कर रहा है, तो इसमें साजिश का तो कोई बात नहीं है ना, किसी का उसका मर्जी है उसमें। फिर भी हमारा दिल नहीं मानता है, देखना ये इल्ज़ाम गलत साबित होगा हमारे बेटे पर। हमारा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, लिखवा लो हमसे ये बात। ऐसा ही हो अल्लाह करे, हमको बड़ा तकलीफ है इस बात का।
हम भी तो दुख में हैं। तकलीफ हमको इस बात का। अरे तुम कभी क्यों नहीं गए स्टाफ पर जब नौशीन का जाने का वक्त होता है? ये सारा टाइम का इत्तेफाक पैसल के वक्त ही क्यों होता है? अब हम इसके बारे में क्या बोलूं? हो सकता है उसको कोई काम पड़ गया हो उस वक्त। अरे इतने इत्तेफाक थोड़ी हो सकते हैं। तो तुमको भी ऐसा लगता है सब हमने किया है? नहीं, लेकिन नादिर ने दादा को खुद वो वीडियो दिखाया है उसमें। अरे वो सब झूठे फरेब है, साजिश है हमारे खिलाफ। हाँ, लेकिन साजिश में भी वीडियो तभी बन सकती है जब नौशीन तेरे साथ जाएगी। अरे वो हमारे साथ गया जरूर था, लेकिन हमारे साथ वापिस थोड़ी आया। तुम ऐसा कैसे बोल सकता है? यार शायद हमको बहुत शर्मिंदगी हो रहा है, लेकिन सच पूछो तो हमारा दिल नहीं मानता है कि फैसल ऐसा कर सकता है। हमको कल नौशीन ने बताया था कि फैसल उसको स्टाफ पर मिला। हमने उसको समझाया कि उसको मना करो, और आज नौशीन घर ही नहीं आया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जब हम फैसल की आंखों में देखता हूँ तो हमें सच्चाई नजर आता है। हमको नहीं लगता कि उसका कोई कसूर है, ये जरूर कोई साजिश है। अरे दिल तो हमारा भी नहीं मानता, लेकिन तो लेकिन क्या? अरे तुम कभी क्यों नहीं गए स्टाफ पर जब नौशीन का जाने का वक्त होता है? ये सारा टाइम का इत्तेफाक पैसल के वक्त ही क्यों होता है? अब हम इसके बारे में क्या बोलूं? हो सकता है उसको कोई काम पड़ गया हो उस वक्त। अरे इतने इत्तेफाक थोड़ी हो सकते हैं। एक लम्हे के लिए मान लो कि फैसल का इसमें कोई कसूर है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि नौशीन भी इसमें शामिल है। अरे हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है। नौशीन हमसे कुछ नहीं छुपाता, हमको कुछ से ज्यादा उस पे भरोसा है। तो फिर इसका मतलब है कि इस बात में जरूर कोई साजिश है हम लोगों को अलग करने के लिए। अरे साजिश बाहर का लोग करता है, ये तो सीधा सीधा फैसल का नाम आ रहा है इसमें। तो फिर तुम क्या बोलता है? अरे तुम उससे पूछो, उसको मालूम होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, हम जाता हूँ, तुम फिक्र ना करो। अभी हम कहाँ ढूंढूंगा उसे? अरे जाके देखो, कहीं बैठा होगा, जाओ। ठीक है, होटल पे जाके देखता हूँ, हम तुम परेशान नहीं हो, हौसला करो। अरे तुम इधर क्या कर रहे? तो हम कहाँ जाऊंगा? शाहिद को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है इस बात का। तो तुमको भी ऐसा लगता है सब हमने किया है? नहीं, लेकिन नादिर ने दादा को खुद वो वीडियो दिखाया है उसमें। अरे वो सब झूठे फरेब है, साजिश है हमारे खिलाफ। हाँ, लेकिन साजिश में भी वीडियो तभी बन सकती है जब नौशीन तेरे साथ जाएगी। अरे वो हमारे साथ गया जरूर था, लेकिन हमारे साथ वापिस थोड़ी आया। तुम ऐसा कैसे बोल सकता है? हाँ, लेकिन बात में कोई ना कोई ताल्लुक तो है। मतलब तेरे को भी यकीन है? अरे नहीं, तुम पागल हो गया क्या? हमको तो तुम पे कोई शक भी नहीं है। हम तो कब से वैसी बात ढूंढ रहा हूँ जिससे साबित हो जाए कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी बात हमको भी नहीं मिल रहा है, अब हम कहाँ से लाऊं ऐसा बात? पहले एक काम करते हैं, नादिर के पास जाके वो वीडियो छीनते हैं। चलो अभी चलो नादिर के पास। रुको तुम, हम शाहिद से तो बात कर ले। तुम अभी यहीं रुको। हम तो बड़ा मुश्किल में फंस गया है। हमारा दोस्त ही हम भी यकीन नहीं कर रहा है। खुदा हमारा बहन का इबादत करना, पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ चला गया ये, समझ नहीं आ रहा क्या करे। अरे किधर है वो? मिला अभी? वो बाहर बैठा हुआ है, बोलता है कहाँ जाऊँ हम।
तुमने पूछा उससे? पूछा है, वो कहता है कोई साजिश है। अरे अभी कैसे पता चलेगा किसका साजिश है? हम तो कहता है नादिर के पास चलते हैं, उससे पहले वीडियो निकलवाता है। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अरे जाकर दिखाओ उसको, उसको बोलो खुदा के लिए बताए हमारा बहन किधर है, ये लो उसको बोलो जाके। अरे दोस्ती का लायक नहीं है ये लोग। दिलावर ये वीडियो तो कल का है, जब मैंने उसको ड्रॉप किया था, और ये बात उसने आके शाहिद को भी बताया होगा। चलो चल के शाहिद से बात करते हैं, आ जाओ। अच्छा हुआ तुम खुद आ गया। शाहिद तुमको याद है कल नौशीन ने किस रंग का कपड़ा पहना था? अरे आना हमको कैसे याद नहीं होगा। देखो बिर ये कपड़ा तो उसने कल पहना था, और उसने हमको बताया भी था कि वो कल तुमसे मिला था। अब तो यकीन आ गया ना तुमको, तुम खामा पी लिए हम पे शक कर रहा था, हम ये सब नहीं कर सकता। अरे हमारा दिल भी नहीं मान रहा था, हमने दिलावर को बोला था पूछो उससे, पर हम क्या करता इस जगह पर, अगर तुम होता तो तुम भी यही करता ना। हाँ मालूम है हमको, हम तभी तुम्हारा घर का बाहर बैठा था ताकि अगर तुम्हारा दिल में आया हमको पीटने का तो आके पीट ले वे। अच्छा अब नौशीन को कैसे ढूंढेगा? नौशीन को हमें मिलके ही ढूंढना पड़ेगा। अभी अंदर चल के सोचते हैं, चलो। वो लड़की है ना नौशीन, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है आज। सारा लोग उधर ही जमा है शाहिद के घर। कहाँ गई होगी? जिधर भी गया होगा ना अपनी मर्जी से गया होगा। तो इसका मतलब है कि लड़का वड़का से कोई चक्कर है, कोई ठिकाना है उसका। अरे इसमें नादिर का ही साजिश होएगा, इसीलिए तो एक दिन पहले उसने वीडियो बनाया और अगले दिन ये मामला हो ही गया। हाँ लेकिन ऐसे कैसे उसको मुल्जिम बोल दिया जाए, वो सबूत तोड़ी है हमारे पास, बल्कि सारा सबूत तो हमारे खिलाफ जाता है। अगर हमारा बाल बराबर भी कसूर होता ना तो हम घर वापस कभी नहीं आते। हमने तेरा वीडियो देखा है, क्या वो वीडियो गलत है? कल का है वो वीडियो, कल का है। देर हो गया, दिलावर अभी तक नहीं आया, उसको फोन वोन मिलाओ। बताने की दर रह जाता है लड़का। अरे तुम किधर है? हम तुम्हारा लिए अभी तक जाग रहा हूं। क्या ये तुम क्या बोल रहे? चलो ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे कैरियत नहीं है,
वो लड़की है ना नौशीन, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। आज सारा लोग उधर ही जमा है शाहिद के घर। कहां गई होगी? अरे हमको क्या पता, अब इतना बड़ा लड़की गुम तो हो नहीं सकता, समझदार है, पढ़ा लिखा है, जिधर भी गया होगा ना अपनी मर्जी से गया होगा। तो इसका मतलब है कि लड़का वड़का से कोई चक्कर है, कोई ठिकाना है उसका? अरे तुम्हारा मतलब है वो किसी लड़के के साथ भाग गया है? तुझको क्या लगता है? हाँ हो सकता है, इतना लड़का लोग उसके साथ पढ़ता है, किसी पे आ गया होगा दिल। अब वो दोबारा घर आएगी भी ना तो हम नहीं लेगा उसका रिश्ता, नहीं करेगा शादी। अरे तुम इतना बेगैरत समझते हैं हमको, जानबूझ के इतना कालक अपने मुंह पे मल ले वे? हाँ अगर हमारे घर से फिर भाग गए तो हम पूरी जिंदगी किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगा। बस तो ये बात तुम दिलावर को नहीं बोलना, उसको तो वैसे भी नहीं पता है। हम पागल तोड़िए कि ये बात बोलेगा। फिर कैसे पता चलेगा? हमको लगता है नादिर सब जानता है, इसलिए उसने यहां तक सारा डेटा जमा किया है, और उसको ये भी मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। अरे इसमें नादिर का ही साजिश होएगा, इसीलिए तो एक दिन पहले उसने वीडियो बनाया और अगले दिन ये मामला हो ही गया। हाँ लेकिन ऐसे कैसे उसको मुल्जिम बोल दिया जाए, वो सबूत तोड़ी है हमारे पास, बल्कि सारा सबूत तो हमारे खिलाफ जाता है। अरे उसी बस स्टॉप चलते हैं, कोई कैमरा शैमरा लगा होगा इधर उधर। हाँ ठीक बोल रहे तुम, इस तरह जरूर हमको कोई सुराग मुराग मिल जाएगा। अभी चलो हमारे साथ, हमारे घर चल के सो, हम जानता है बचपन से तुम्हें भूतों से डर लगता है। अरे नहीं यार, तुम हमको ऐसा नींद तोड़ी आएगा, तुम जाओ आराम करो, हमको अब कहीं नींद नहीं आने वाला। अच्छा फिर हम चलता है यार, अम्मा अब्बा नाराज हो रहा हो यार। हमने तेरे को मना किया था, जब तक तू घर नहीं आएगा, जब तक शाहिद का बहन घर नहीं जाता है, शाहिद तेरे को माफ नहीं करता है। अगर हमारा बाल बराबर भी कसूर होता ना तो हम घर वापस कभी नहीं आते। हमने तेरा वीडियो देखा, क्या वो वीडियो गलत है? कल का है वो वीडियो, कल का है वो कपड़ा, कल पहला था उसने, गंदा होके पड़ा है घर में। शायद कोई सब बात बता के आ रहा हूँ, दिखा के आ रहा हूँ। Thank you.
अपना तरबियत पे यकीन नहीं है। औरत का मामला है, इसमें बड़ा बड़ा चूक जाता है। सारा तालीम, सारा तरबियत धरा का धरा रह जाता है। शैतान जज्बात पे हमला करता है और जज्बात दिमाग पे हमला करता है। जाग रहा है ना, हमको पता तो तुमको नींद नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इसीलिए वापस आया हूं, वरना शाहिद के घर पे ही रुक जाता, वहीं सो जाता। फैसल, फैसल, ये पक्का बात है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है? दादा, आपने हम पे शक किया? आपको अपने तरबियत पे यकीन नहीं है? औरत का मामला है, इसमें बड़ा बड़ा चूक जाता है। सारा तालीम, सारा तरबियत धरा का धरा रह जाता है। शैतान जज्बात पे हमला करता है और जज्बात दिमाग पे हमला करता है। दादा, ये बात सच है कि हम नौशीन को पसंद करता हूं, लेकिन अब कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा से तुम्हारा इज्जत खराब होवे, हमारा खुद का इज्जत खराब होवे। तुम इस बात पे यकीन करो, भरोसा रखो हमेशा। हमारा कसम खाता है? तुम्हारा कसम, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा इज्जत खराब हो। हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। पियेंगे, पियेंगे पानी। हाँ।
नहीं हो सकता है, हम लोग का फैसल ऐसा नहीं हो सकता है, हमको मालूम था। आज 10 तारीख हो गए, किराया कब लाएगा तुम? अरे अम्मा ले आएगा आज। आज ले आएगा या लेके कहाँ गए? अरे अम्मा क्या हो गया, अब इतना भी बुरा दिन नहीं आया, ले आएगा आज। ये इतना तैयार मैयार होके इतना सुबह सुबह किधर जाते है तुम पटाखा बनकर? अरे अम्मा इतना सवाल ना पूछा कर, बोला ना तेरे को ला देगा आज, अब जावे जा दपा जान चुड़। इतना तैयार होकर जा रहा है, किसी लड़की मड़की का चक्कर है? आ बहन कहाँ है? वो तो कल पर घर से ही नहीं आया, हम उसी को तो ढूंढ रहे हैं। इनकी बहन आपकी बहन की क्लास फेलियर है और वो कल से गायब है। अरे नौशीन भी तो घर नहीं आया कल से, ये हम कैसे मान लें? जैसे इनकी बात मान ली। अम्मा खुल के बताओ हुआ क्या है? वो शायद का बहन नहीं है जो डॉक्टर बन रहा है, वो कल से घर से गायब है, पैसे का पीछे बैठ कर गया है। अम्मा हमको नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, पूरा ले आ रही उनकी दोस्ती का मिसाले देता है। सब जगह देख कर आए हम, अरे हम लोगों को भी नहीं मिला यार। देखो ऑफिस के बाहर कैमरा लगा हुआ है, वहां जाके देखे क्या? ऐसा कौन इजाजत देता है इस तरह कैमरा देखने को अपना? बाबा आप कहीं इसलिए तो इस रिश्ते की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये लोग बहुत रिच है, बिजनेसमैन है? सीरियसली बेटा, मैं नहीं, दुनिया का हर बाप ऐसा चाहता है कि उसकी बेटी की शादी बहुत अमीर लोगों में हो जाए। हाँ बेटा, देखो पैसों से बहुत सारी आजाइशें खरीदी जा सकती है और खुशियाँ वो भी खरीदी जा सकती है। लेकिन उसका बात सुनकर हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। हम नौशीन का कसम खा सकता है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो जो कुछ करता है हमको बताता है, कुछ नहीं छुपाता हमसे, फिर भी इस तरह हो गया। देखो हमको लगता है जो कुछ भी हुआ है उस लड़की की वजह से हुआ है, हमको उसका डेटा निकलवाना चाहिए, क्या पता इससे नौशीन का भी पता लग जाए। बहुत बड़ा गलती हो गया यार, बहुत बड़ा।
अरे शाहू हम बहुत परेशान हैं रे। अरे उस्ताद इसका मतलब है कि जो होना था हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अरे नहीं शाहू, हमको किसी तरह भी रुस्तम चाहिए बस। तुम आज फिर लेट आए। अरे अम्मा तुमको बताया तो था, शाहिद का बहन खो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। अरे तुमने ठेका लिया हुआ है शाहिद की बहन का ढूंढने का कि तुम ही ढूंढेगा? कैसा बात करता है, तुम ऐसे मुश्किल वक्त में छोड़ देवे क्या उसको? नादिर भाई हमको सच बताओ। अरे तुमको क्या मतलब है इससे? मतलब है ना, हमको बताओ नौशीन है कहाँ? हमको नहीं पता। ठीक है फिर हमारा सर पे हाथ रखो और कसम खाओ। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। खतरे को नाप लिया, रास्ता हमने नाप लिया, मंजिल हमने है ताड़ी, ल्यारी से किवाड़ी।